आहे. जयंती होगी कब तक? माने तुम्हारे अंदर अभी जय जयकार हुई नहीं है? अभी तो पूछ रहे. सारी दुनिया जो सारी दुनिया की बात, सारी दुनिया पूछ रही है. कौन पूछ रहा है? माने अभी कौन पूछ रहा है? अभी आप पूछ रहे हैं ना, कब होगी? होगी पूछने वाला पूछ रहा है कब होगी. इसका मतलब उसकी बुद्धि में बैठा है, हुई है कि नहीं हुई है? अरे फिर वही बाहर वाले तुम्हारे मुंह से बोल रहे हैं. शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा आ गए क्या? कब होगी ये तिथि तारीख बताई जाती है क्या? है? हाँ, बाबा ने ये बताया कि मैं कब आता हूं कब जाता हूं ये तो तिथि तारीख नहीं है, क्योंकि मैं तो जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा हूं. परंतु कृष्ण की तिथि तारीख बताते हैं, किस घड़ी में आया, किस नक्षत्र में आया, कब आया, पूरा डिटेल बताते हैं. इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ बाप खुद प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं या स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं. प्रत्यक्ष होने वाला साकार होता है या निराकार होता है? साकार की जयंती मनाई जाती है. तो शिव बाबा जिनकी जयंती मनाई जाती है वो शिव बाबा स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो अपने को गुप्त रखता है. किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? कौन है बच्चा? है हम बच्चे तो हो जाओ प्रत्यक्ष. है हो जाओ ना प्रत्यक्ष. ब्राह्मण बच्चे प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहे? फिर बच्चे को प्रत्यक्ष करेंगे और बच्चे बाप? अरे तो बच्चे नंबर वार हैं या एक ही जैसे नंबर के हैं? नंबर वार बच्चे हैं. तो जो नंबर वार बच्चे हैं उनमें अव्वल नंबर बच्चा भी कोई होगा या नहीं होगा? बाप का कौन है? हैं? हैं? विजयमाला, विजयमाला बच्चा है या बच्ची है? हैं? बच्ची है. तो बच्ची है, बच्चा कौन है? संगमयुगी कृष्ण कौन है? हाँ, किसकी बुद्धि में अभी तक नहीं बैठा है? अरे हम बच्चों की बुद्धि में तो फिर भी बैठ जाता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, दूसरा कोई साकार में भगवान नहीं है. ये हम बच्चों की बुद्धि में तो फिर भी बैठ जाता है, लेकिन किसकी बुद्धि में नहीं बैठा? हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा की बुद्धि में अभी तक भी नहीं बैठा, जो सृष्टि का पहला पत्ता बनता है, पहला बच्चा है बीज बाप का. उसकी बुद्धि में जब तक न बैठे तब तक बाप अपने को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता. बाप की जयंती साबित ही नहीं हो सकती. और देव और रुको रुको रुको. हाँ, नहीं, नहीं, नहीं.
वेडिंग है, क्यों नहीं मिलता? गंगा और यमुना का जन्म जल मिलकर के एक नहीं हो जाता? त्रिवेणी में, इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जल मिलकर के एक नहीं हो जाता? नहीं मिलता है? चाहे ज्ञान जल हो चाहे स्थूल जल हो, तीसरी नदी तो गुप्त है। सरस्वती नदी दिखाई पड़ती है यह गुप्त है, तो उसका जल प्रत्यक्ष होगा कि गुप्त होगा? है गुप्त होगा। बेसिक में भी वो नदी गुप्त हो जाती है और एडवांस में भी, एडवांस में भी जगदम्बा गुप्त हो जाती है या प्रत्यक्ष रहती है? गुप्त हो जाती है। तो वो तो नदी ही गुप्त हो गई तो जल कहां से प्रत्यक्ष रहेगा? तो दो नदियां गंगा और यमुना, उन दोनों का जल मिलकर के एक हो जाता है। और क्या बोल रहे? अष्टदेव और अष्टरतन में क्या अंतर है? अष्टदेव जो हैं वो हीरे हैं या नंबरवार नौ रतन हैं? है? सब हीरे हैं, जो रतन है वो नंबर वार है या सब हीरे हैं? रतन तो नंबर वार है, उनकी कीमत जो है एक जैसी नहीं है। और हीरे, हीरे तो सब हीरे हैं, उनकी चमक और रत्नों के साथ नहीं टैली कर सकते। हीरा अंधेरे में भी चमक मारता है और दूसरे रतन अंधेरे में चमक नहीं मारते हैं। तो घोर अंधेरा होता है कलयुग के अंत में, जब सारी दुनिया ज्ञान अंधेरे में होती है, भगवान बाप को सब भूलने लग पड़ते हैं, सारी दुनिया नास्तिक बन जाती है या आस्तिक बन जाती है? सारी दुनिया नास्तिक बन जाती है। नास्तिकता का प्रभाव सारी दुनिया के मनुष्य मात्र पर फैल जाता है। बाहर की दुनिया की तो बात ही छोड़ दो, बाप माता के रूप में जिन बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है ब्रह्मा के रूप में, वो बच्चे भी अंधेरे में आ जाते हैं। फिर जो बच्चे बाप को थोड़ा बहुत पहचानते हैं वो भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोलते रहते हैं। आज बहुत अच्छा चलते हैं, कल इधर उधर की पार्टियों में चक्कर काटने लग पड़ते हैं। तो अंधेरे में आ गए या सूर्य को पहचाना? है क्या कहेंगे? अंधेरे में आ गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए माने अंधेरे में आ गए। ऐसे अनिश्चय बुद्धि बनते हैं कि अखबारों के द्वारा, टीवी वालों के द्वारा, रेडियो वालों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, दुनिया के जो भी साधन हैं सब प्रकार के साधनों के द्वारा बाप की निंदा करने के निमित्त बन जाते हैं। तो नास्तिक हुए या आस्तिक हुए? बाप को पहचानने वाले कहे जाएं या अंधेरे में आ गए?
अंधेरे में आ जाए। इसलिए उस टाइम को यादगार भारत रूप में, भारत में यादगार के रूप में मनाया जाता है। कौन सी यादगार है? महाशिवरात्रि। महान शिवरात्रि माने इतनी बड़ी रात्रि कोई अज्ञान की रात्रि और दुनिया में कभी हुई ही नहीं। ऐसी अज्ञान की रात्रि जहां 500 करोड़ की दुनिया वाले भी अंधेरे में, बेसिक वाले भी अंधेरे में, एडवांस वाले भी अंधेरे में। एडवांस वालों का भी निश्चय बढ़ रहा है, यह निश्चय डोल रहा है, संख्या घट रही है या बढ़ रही है? है? बढ़ रही है। पूरे पूरे बिहार में कितने बैठे हैं? पूरे बिहार से इकट्ठे हुए ना? बढ़ रही है, घट गई है? तो अनिश्चय बुद्धि बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते घोर अज्ञान की अंधकार रूपी रात्रि ऐसी हो जाएगी कि एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बचे। जैसे महाभारत में दिखाया गया है कि जिस भगवान के पीछे सारी दुनिया तारनहार के रूप में भागती थी, जब उनका अंतिम समय आया तो कोई उनके साथ नहीं था। और अभी मुरली में रिकॉर्ड क्या बजा है? न हम उनसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे। अंजाम तो ऐसा करते हैं लेकिन निभाने में फिर नंबरवार हो जाते। तो बच्चे जुदा हो जाते हैं तो बाबा भी तो उनको खींचना चाहिए। बाबा को खींचना चाहिए तो बाबा भी तो बच्चे को खींच रही है। बहुत बच्चे अगर छोड़ देते हैं बाबा तो बच्चे को खींच रही है तो बाबा क्या करें? बच्चे को अपनी ओर खींच लेंगे। बच्चों को अपनी ओर खींच लें? अच्छा, बलात्कार करें है? क्या करें? बच्चे तो सब सजनिया हैं, है? साजन का ये कर्तव्य है कि सजनियों के साथ बलात्कार करे, जबरदस्ती करे, अच्छा लगेगा है? दुनिया में भी अच्छा नहीं समझते क्या? किसी भी धर्म में अच्छा नहीं समझते? बाप आया हुआ है तो बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम्हें जो बाप अच्छा लगता हो, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सिख, सन्यासी, मुस्लिम, जो अच्छा लगता हो उसको अपना बाप बना लो। तुमने अपना बाप बना लिया, तुम गोद में बैठ गए अपने बाप की, बाप क्या करे? टुकुर टुकुर देखता रहेगा। और मुरली में क्या बोला? विश्वास नहीं है क्या? अरे मुरली की बात पर विश्वास नहीं है? अभी अभी शुरुआत हो गई अनिश्चय बुद्धि की। अभी अभी तो बोला ऐसी महाशिवरात्रि आएगी कि बाबा के महावाक्यों से सबको अनिश्चय बुद्धि हो जाएगी, बाबा पर अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। तो शुरुआत हो गई। बाबा ने क्या बोला? मेरे मुख से सुख, मैं दूसरी बात बोलता हूं क्या? बाबा की मुरली में जो बोला गया उस मुरली के बरखिलाफ बात करने वाले को कौन सा संप्रदाय समझो? मुरली में तो ये बोला, तो आप साबित करना चाहते हैं है? आप ये साबित करना चाहते हैं कि जो सामने बैठा है
वो बाबा की मुरली के बरखिलाफ बात करने वाला रावण संप्रदाय है? नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? फिर मुरली में तो यही बोला है। क्या बोला है? गंगा पतित पावनी है या नहीं है? मुरली बोला है, मुरली में तो यही बोला है, गंगा पतित पावनी नहीं है, है? पतित पावनी नहीं है गंगा, एक शिव बाबा ही पतित पावन है। तो पूछना क्या? पूछना तो शुरू किया लेकिन पूछ नहीं आया क्या पूछना चाहते हैं। वास्तव में ये पूछना चाहते हैं कि बंबई में एक पोस्टर निकाला है, उसमें 8 बातें आई हैं। उसका हेडिंग दिया है ब्रह्मा कुमारियां बताएं, नहीं तो हम बताएंगे। नीचे लिख दिया एडवांस पार्टी। तो उसमें से एक प्रश्न है ऐसा, लेकिन माता ने पूछ नहीं पाया। उसमें प्रश्न ये आया है कि गंगा पतित पावनी नहीं है तो महादेव शंकर के सर पर विराजमान क्यों है? है? कोई का सर किसी के नीचे आ जाए तो नीचे सर रखने वाला ऊंचा या जिसको सर नवाया जाए, जिसके सर नीचे हो वो ऊंचा है? सर झुकाए वो ऊंचा? शंकर ने तो अपना सर झुकाए दिया। किसके सामने? गंगा के सामने। लो तुम चढ़ बैठो, सर के ऊपर चढ़ाई लिया। कहते हैं ना, इसको तो इन्होंने सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है, माने इसकी तो सब बात मान लेते हैं, हमारी तो कोई बात मानते ही नहीं। तो ऊंचा समझा जाता है, उसकी बात मानी जाती है, उसको सर पर चढ़ाया जाता है, या जिसको घृणा की जाती है उसको सर पर चढ़ाया जाता है? जिसकी सारी बातें मानी जाती हैं, जो बहुत सेवा करता है, फायदा देता है, दुकान चलाता है, उसको बाप सर पर चढ़ाते हैं। तो अभी तक विद्वान पंडित आचार्यों को, सन्यासियों को किसी ने नहीं समझा पाया। समझाया है क्या? ब्रह्मा कुमारियों ने समझाया है? एडवांस पार्टी वालों ने समझाया है? समझाया है? समझाया कि नहीं समझाया है? अरे कोई विद्वान पंडित आचार्य वाराणसी का ऐसा निकला जो ईश्वरीय ज्ञान की बातों को मानने वाला हो? कोई सन्यासी ऐसा निकला? नहीं निकला। और गंगा निकलेगी तो गंगा के पीछे पीछे ढेर सन्यासी निकलेंगे, क्योंकि सन्यासियों में सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? अरे शास्त्रों में कोई बहुत बड़ा सन्यासी माना गया है? भीष्म पितामह। वो भीष्म पितामह इतना बड़ा सन्यासी, वो भी गंगा को माथा नवाता है, अपनी मां समझता है और है। और मुरली में भी बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो
बच्चों की विजय में बाप की विजय समाई हुई है या नहीं समाई हुई है? उन सन्यासियों को निकालने के निमित्त तो कौन बनेगी है? गंगा बनेगी। इसलिए गंगा को सर पर चढ़ाया तो बुरा किया अच्छा किया? अच्छा किया। तो गंगा पतित पावनी हुई, ये सर पर चढ़ाने वाला पतित पावन हुआ है? सर पर चढ़ाने वाला कैसे? सन्यासियों को तो गंगा ने पतित, जो पतित सन्यासी थे जिनकी बुद्धि में, पतित बुद्धि में बाप का परिचय बैठता ही नहीं था, उनकी बुद्धि में, उनकी बुद्धि को पावन किसने बनाया ज्ञान सुनाकर? जो बाप बुद्धि में उनकी बैठ गया, क्या उन सन्यासियों को बाप ने समझाया या गंगा ने समझाया? तो उनकी बुद्धि को, उन पतितों की बुद्धि को पावन किसने किया? अरे गंगा ने किया। तो गंगा को सर के ऊपर चढ़ाया तो कुछ बुरा किया क्या? अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा तो किया। लेकिन बाबा ने तो कहा है कि पतित पावनी गंगा नहीं है, क्योंकि गंगा तो पानी की गंगा है। पानी की गंगा का बेहद का अर्थ यह है कि पानी को बिलोएंगे तो उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। पानी को बिलोने से मक्खन निकलता है क्या? है पानी को बिलोने का गायन नहीं है, क्षीर सागर को बिलोने का गायन है। दूध का जो सागर था उस सागर को बिलोया गया तो दूध को बिलोने से क्या मिलता है, क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो जो भगवान ज्ञान सुनाते हैं उसको बिलोने से, मंथन करने से सार निकलता है ज्ञान का, जिसे कहते हैं एडवांस नॉलेज। वो एडवांस नॉलेज गंगा ने सुनाई या गंगा को शिव बाबा ने सुनाई है? गंगा को भी शिव बाबा ने सुनाई। तो कौन हुआ पतित पावन? शिव बाबा पतित पावन हुआ। और सेवक राम वाली आत्मा ने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का अर्थ सन 36 में सुनाया या बाद में सुनाया? तो जब सुनाया तभी शिव बाप ने प्रवेश किया। दूसरा कोई धर्म गुरु, सन्यासी, विद्वान, पंडित, आचार्य तो उस साक्षात्कार का अर्थ नहीं बता सका। कमाल है। शिव बाबा 84 जन्म के अंत में प्रवेश करते हैं, या मुरली में ये बोला 85 जन्म के अंत में प्रवेश करते हैं? मुरली बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं? तो वो है उसका मेल वाला जन्म है, संगम युगी जन्म है या कलयुगी और सतयुगी जन्म है? कलयुग सतयुग का मेल वाला जन्म है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है या 84वां जन्म है?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, ये 84वां जन्म भी है और 21 जन्मों में से पहला जन्म भी है। ऐसे नहीं कहेंगे 85वां जन्म है। और ये बातें माताएं मंथन नहीं करती हैं। नहीं बाबा, इसमें ये गंगा भी मंथन नहीं करती। इन बातों को मंथन करने के बाद जो कमजोर कमजोर बच्चे हैं उनके कानों में फूंकने वाले दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं, वो डिसर्विस करते हैं और दूसरों की बातें हम सुन लेते हैं। भक्ति मार्ग में तो गायन है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गऊ घात समाना। जैसे गऊ की हत्या कर दी हो ऐसे पाप बन जाता है अगर सदगुरु को एक बार सदगुरु के रूप में मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो सदगुरु के सिवाय किसी और की बात कान में नहीं धरनी चाहिए। अगर सुन भी लिया तो भी वो असर कर जाएगा, अनिश्चय बुद्धि बना देगा। और हम अनिश्चय बुद्धि बनेंगे तो हमने जितनों को संदेश दिया है उनका क्या हाल होगा? वो अनिश्चय बुद्धि बनेंगे या निश्चय बुद्धि बनेंगे? हैं? वो भी अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं। तो हमने जैसे कि आपघात कर लिया, और आपघात तो किया ही इस किया, साथ साथ में अपने बच्चों का भी घात कर दिया जो बेहद में पैदा होते हैं। सब गीता पाठशालाओं में से उड़ के स्टूडेंट भाग जाते हैं। परमात्मा सत्यापी नहीं है तो इत्यापी कहाँ? परमात्मा सत्यापी नहीं है तो इत्यापी कहाँ? ये प्रश्न पत्र जो है वो बंबई वालों के सामने आया है। जब प्रश्न पत्र निकलते हैं तो उनके जवाब नहीं पूछे जाते हैं। क्या अब ये तो 8 प्रश्न आए हैं, 8 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आया है, नॉलेज की परीक्षा हुई है, तो परीक्षा हाल में क्या स्टूडेंट टीचर से पूछ सकते हैं कि हमें इसका जवाब बताओ? है? और वो परीक्षा बेसिक वालों की हो रही है या एडवांस वालों की भी हो रही है? दोनों की हो रही है। इतना बेसिक नॉलेज उठाई, इतना बेसिक कोर्स उठाया, इतना एडवांस कोर्स उठाया, बेसिक में भी भट्टियां की, एडवांस में भी भट्टियां की, ज्ञान योग की भट्टियां की या नहीं की? हैं? और उसके बाद इतने स्टूडेंट्स को संदेश दिया और कितनों को ज्ञान सुनाया। अब जब प्रश्न पत्र आए तो पूछना शुरू कर दिया। चलो माताएं पूछे तो ठीक है, भोली भाली बुद्धि है। बाबा ये बैनर हम लोग बना सकते हैं क्या? है? इसका बैनर बना सकते हैं हम लोग? क्या बैनर? क्या बना सकते हैं? 8 पॉइंट वाला हम लोग बना सकते हैं। अरे वो तो निकला है तो सबके सामने आएगा ना, धीरे धीरे चारों तरफ फैलेगा कि बंबई की ब्रह्मा कुमारियां डरेंगी। किसने मना किया? प्रश्न पत्र निकला है तो वो तो निकलता ही चला जाएगा। मूर्ति लक्ष्मी डाला जाए, मूर्ति वाला फोटो डाला जाए, चित्र डाला जाए ना डाला जाए ये कुछ नहीं बताया गया। यहाँ तो प्रश्न पूछे गए हैं।
तुम्हें चित्र अच्छे लगते हैं, चित्र डालो, उन प्रश्नों का समाधान देना अच्छा लगता है या चित्र डालना अच्छा लगता है? बैनर को लगाएंगे तो क्या चाहिए तुम्हें? है बाबा क्या चाहता है तो समाधान दो। चित्रों में काहे के लिए, चित्रों के द्वारा समझाओ, खुद समझो। उनमें कोई प्रश्न पत्र ऐसा तो नहीं है जो बाबा ने न बताया हो, बताया तो सब कुछ है। फिर वो ही बात है, जब प्रश्न पत्र सामने आया तो बाबा से पूछना शुरू कर देते हैं, ये तो ठीक बात नहीं। बैनर में एड्रेस भी दिया जाए क्या? एड्रेस भी दिया जाए आध्यात्मिक। ये एडवांस पार्टी की तरफ से प्रश्न पत्र आया है, वो कहते हैं एडवांस पार्टी ऊपर है कि नीचे है? अरे उनके हिसाब से कहाँ है, तो उन्हें समझाना है कि नहीं समझाना है कि ऊपर है कि नीचे है? समझाना है, क्योंकि उनके पास तो नोटों की गड्डियां बहुत है। वो तो पुलिस को, प्रशासन को, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को नोटों की गड्डियां फेंकेंगे, अखबार वालों को, और तुम्हारी ऐसी की तैसी करना शुरू कर देंगे। तो गुरिल्ला वार करोगे या प्रत्यक्ष युद्ध करोगे? तो गुरिल्ला वार ही करो ना, उनकी एडवांस पार्टी ऊपर ही रहने दो। ये एडवांस पार्टी ने नंबर दिया है, ऊपर से जवाब आएगा, ले लो। किसे पकड़ेंगे? ऊपर वाली एडवांस पार्टी, इनकी किताबों में देखो लिखा हुआ है एडवांस पार्टी ऊपर है। ये तो शंकर पार्टी के लोग हैं, हैं? हाँ, एडवांस पार्टी ऊपर से भेजा है। तो बड़ा मजा आएगा कि नहीं? जब जेल में जाओगे तब भी मजा आएगा। हाँ, तुमको अभी मजा आएगा, तो जब तुम जेल में जाओगे तब उनको मजा आएगा। कौन चुड़ाएंगे? चुड़ाने की क्या जरूरत? अरे मुफ्त की रोटी दाल मिले, खाए जाओ, शिव बाबा को याद किए जाओ। पेट को क्या चाहिए? पेट को चाहिए पाव रोटी। तो पाव रोटी वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हैं? मेहनत करके मिलेगी या मस्त कलंदर रह के मिलेगी? तो फिर क्या बात? बाबा अतीन्द्रिय सुख क्या है? अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख लेना है, अभी लेना है कि अंत समय का गायन है? हाँ, तो पुरुषार्थ का अंत करो तब लो। पुरुषार्थ पूरा होगा तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। अभी इंद्रियों से परे हुए हैं, इंद्रियों से परे रहने की स्टेज आत्मिक स्टेज, निराकारी स्टेज, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज हुई है, हुई है। तो फिर काहे के लिए अभी बात कर रहे हो जल्दी कि अभी चाहिए? अभी तो रोटी दाल खाओ। हाँ जी, क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि गंगा ने जितनी सर्विस की, इतनी सेवा किसी ने नहीं की। तो ज्यादा सर्विसेबल बच्चे होते हैं, उनको बाप प्यार में आके सर के ऊपर बिठाई देते हैं। तुमको तुम्हारे पापा ने सर के ऊपर कभी बिठाया कि नहीं बिठाया? बिठाया। हाँ, तो गंगा को भी बिठाई लिया।
बेचारा सूख गया था। क्या चंद्रमा बेचारा सूख गया था? मोटा ताजा था कभी? तब तो नहीं सर पर बैठाया। कब बैठाया? जब बेचारा सूख गया, लीक रह गई, तो बाबा को दया आ गई। किसके ऊपर? चंद्रमा बच्चे के ऊपर। अरे बेचारा सूख रहा है, इसको थोड़ा उठा लो। तो सर के ऊपर उठा के रख लिया, ताकि लोग समझें कि अरे ये तो बड़ी ऊंची चीज है, है? भगवान ने भी इसको सर के ऊपर बिठा लिया, इसलिए सर के ऊपर रख लिया। गरीबों पे दया करनी चाहिए कि नहीं है? अरे गरीबों पे दया करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए, क्योंकि गरीब निवाज है ना शिव बाबा। हाँ, काली माता के बाल जो हैं, वो आजकल के जो सन्यासी जटाएं धारण करते हैं ना, जिनकी जटाएं उलझी हुई होती हैं कि खुली हुई होती हैं? हैं? उलझी हुई जटाएं होती हैं, वो ज्ञान की जटाएं हैं, जो उलझी हुई हैं, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते उनका ज्ञान उलझ जाता है, कोई बात का स्पष्ट निराकरण नहीं मिलता है, स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है उन शास्त्रों के ज्ञान की बातों से। तो शिव बाबा आकर के शक्तियों को ज्ञान सुनाते हैं, तो शक्तियों की जटाएं खुल जाती हैं, चाहे वो पहले नंबर की शक्ति हो लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के बाल खुले हुए हैं या बंधे हुए हैं? खुले हुए हैं। और चाहे वो आखिरी नंबर की शक्ति हो महाकाली, उसके भी बाल खुले हुए हैं, जटाएं सुलझ गई हैं, जटाएं उलझी हुई नहीं है। माना पक्का निश्चय बुद्धि होकर के असुर संहार करती है, अनिश्चय बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि होकर कार्य कर रही है या अनिश्चय बुद्धि होकर कार्य कर रही है? हैं? निश्चय बुद्धि होकर के अपना काम कर रही है असुर संहार का, इसलिए जटाएं खुली हुई हैं। इसलिए दिखाई गई है कि मनुष्यों की जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी है। पहले बहुत सुखी होते हैं, फिर धीरे धीरे सुख कम होता जाता है, फिर दुख शुरू हो जाता है, फिर दुख और बढ़ जाता है, तो अल्था पल्था लगाते रहते हैं। क्या? इसलिए टेढ़ी मेढ़ी दिखाई गई है। सीधी सादी जिंदगी नहीं है 84 जन्म की, इसको 84 का चक्कर कहा जाता है। शिव बाबा चक्कर नहीं खाते हैं, और हम आत्माएं तो चक्कर खाती हैं। और जब अपने मम्मी पापा के कान पकड़ना शुरू करेंगे, ड्रामा पर पूरा विश्वास हो, ज्ञान भी पूरी रीति समझ में आ जावे,